नीतीश जी बीमार चल रहे हैं, मेरा मानना है कब क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता है। कि अब नीतीश कुमार जी जो भी बोले वो दूध भात होगा। माँ की पूजा करके बिहार समृद्ध हो, भारत समृद्ध हो, माँ से कामना किया कि नवरात्रा के माध्यम से हम लोगों ने लगातार सलाह, सभी लोग सनातन धर्म के माध्यम से माँ दुर्गा से पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आग्रह किया कि बिहार समृद्ध हो, खुशहाल हो, देश आगे बढ़े, यही कामना करता हूँ। नीतीश कुमार जी काफी नाराज बात कर रहे हैं मीडिया से। नीचे करो, देखिए नीतीश जी को आराम करना चाहिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ उनको, नीतीश जी बीमार चल रहे हैं, मेरा मानना है कब क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता है। कब किसको दुश्मन बनाएंगे, किसको दोस्त बनाएंगे, और इतना डर क्या है, इतना डर क्यों जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो बेबाक बोलने वाले नेता थे, इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैं देख रहा हूँ। इसी के लिए मैंने कहा कि अब नीतीश कुमार जी जो भी बोले वो दूध भात होगा, क्योंकि अब उनका कोई बात का कोई महत्व नहीं रहा। नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया, मीडिया पर ही गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया, बोले कि जो है वो अपना नाम लेती है, सभी विश्वविद्यालय जो मतियानी में बने हैं वो नीतीश कुमार के देन, नीतीश कुमार ने आगे बढ़ के बनवाया। अच्छा, नीतीश कुमार जी का उसमें रोल क्या है? केंद्र का पैसा, कांग्रेस की सरकार जब तक रही उसमें एक इंच और एक रुपया भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध कराया, सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, और आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जी जमीन ही नहीं देते। बिहार में ना एम्स के लिए जमीन है, ना रोड के लिए जमीन है, ना विश्वविद्यालय के लिए जमीन है, ना एयरपोर्ट के लिए जमीन है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ राज करने के लिए जमीन मिला हुआ है। सूबे की मुखिया दोषी ये बहुत क्या लगता है? अच्छा, कोई नौता उनको कहाँ दे रहा है, उनको बुला कौन रहा है? दोनों बार 2013 में भी नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़कर भाजपा को भागे थे, उस समय भी प्रधानमंत्री बनना था, और आज भी 2022 में भी नीतीश कुमार जी को किसी ने भगाया नहीं है, वो स्वयं भाग गए हैं। और उत्तराधिकारी भी तय कर दिया कि ये बच्चा हमारा उत्तराधिकारी है। अरे तो ये किसने, जनता ने तय किया क्या? जनता तय करेगी कि उन बिहार का उत्तराधिकारी कौन है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।